समय का भाग्य चक्र अगर सीधा चलता तो नेताजी भारत के अंदर प्रवेश करके बहुत आगे आ चुके होते और यहाँ के स्वतंत्रता के लिए यहाँ रहकर प्रयास करने वाले और उनका मिलन होता और भारतवर्ष बहुत पहले स्वतंत्र हो जाता। ऐसे नेताजी का स्मरण करना क्यों करना, इसलिए उनके प्रति कृतज्ञता तो है ही, उनके गौरव में यह स्मरण करना हमारा कर्तव्य है। ये सारे गुण उनके हमारे अंदर आने चाहिए, ये दूसरी बात है। और उनके सपनों में भारत का जो करना था उनको, वो अभी अधूरा है, तो उस कार्य को भी पूरा करना है। हम लोग काम करते हैं तो उसके एक दिशा होती है, उसका एक गंतव्य होता है। गंतव्य की ओर जाने का रास्ता देश काल परिस्थिति अनुसार अलग अलग करना पड़ता है, परंतु गंतव्य कभी नहीं बदलता। पहले सुभाष बाबू ने और कांग्रेस के आंदोलन में कानून में बैठने वाला आंदोलन किया, सत्याग्रह किए, आंदोलन बनाए, अधिवेशनों में भाग लिया, लेकिन जब उनको ध्यान में आया कि आज की परिस्थिति में केवल इतना करने से नहीं होगा, एक सशस्त्र प्रयास की भी आवश्यकता है, तो उसका भी प्रयास उन्होंने किया। रास्ते अलग अलग होंगे दोनों, या भारतवर्ष में उस समय अलग रास्तों से जाने वाले लोग होंगे, लेकिन गंतव्य तो सबका एक था। और इसलिए उस गंतव्य को पक्का रखना, तो उस गंतव्य के बारे में नेताजी की दृष्टि क्या थी समझना पड़ेगा। और देशकाल परिस्थिति अनुसार जो रास्ता मिलता है वो कभी आसान मिलता है, कभी बहुत कठिन मिलता है। जैसा रास्ता है वैसा उसको पार करने के लिए अपनी गुणवत्ता होनी पड़ती है। रास्ता बदलता है, रास्ते को इज़म कहते, अमुक इज़म, तमुक इज़म, इज़म बदलते रहते। इज़म महत्व की बात नहीं है, गंतव्य क्या है यह महत्व की बात है। और उस गंतव्य तक जाने के लिए सब प्रकार की परिस्थिति में आगे बढ़ने की सातत्य की वृत्ति और आवश्यक गुण संपदा है कि नहीं, ये दूसरी बात है। तो गुण संपदा के लिए भी, उस पथ का पथिक होने के लिए भी हमारे सामने उनका आदर्श है, सुभाष बाबू का आदर्श है। और गंतव्य के लिए भी उनके आंखों के सामने जो गंतव्य था वही हमारा गंतव्य है।